मेरी कल जो लंदन में वजीर आजम नगरान से मुलाकात हुई तो उसमें ये बातें हुई। उन्होंने कहा मैं कोई तासर ऐसा नहीं दूंगा कि मैं कोई जानबदार हूं और मैं किसी से नहीं मिलूंगा। सही। तो वो लंदन वैसे ये किसको उन्होंने मिलने के लिए गए थे बर्मला बल्ला कहा। साहब? निगरान वजीर आजम के शेड्यूल में क्या लंदन जाना शामिल था? वो लंदन किससे मुलाकात करने के लिए गए हैं? भाई देखे वो अपने जाहिर है लंदन में रहते रहे हैं, उनकी यादें हैं, फिर पाकिस्तानी सफारतखाने ने उनके कोई प्रोग्राम तरतीब दे रखे हैं, तो अच्छा। मेरा ख्याल है कि ऐसी शख्सियत वो नहीं मिले। उन्होंने ये बर्मला कहा और उन्होंने कहा मैं बड़ा तपा हुआ हूँ कल का। इन्होंने मेरा एक बयान तोड़ मरोड़ के पेश किया है कि चेयरमैन पीटीआई के बगैर भी शफाफ इलेक्शन होते। तो उन्होंने कहा मैंने ऐसा नहीं कहा, बिल्कुल, मीडिया जिस पे जिस काफी को भी वायरल रही है। अदालत इजाजत देगी वो इलेक्शन लड़ेगा। मेरी हमदर्दियां किसी के साथ नहीं है, मैं आजिज आदमी हूँ, कल भी आजिज था, अब भी आजिज हूं, मैं जानबदारी का मुजाहरा नहीं होने दूंगा। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है इलेक्शन 1.5-2 महीने में ही हो जाए। उन्होंने अच्छा, वैसे जनवरी के हवाले से तो शेड्यूल सामने आ चुका है, जनवरी में भी हो सकते हैं। तो कहा कि मैं तो इलेक्शन तक हूं, इलेक्शन हो सकता है 1.5 महीने 1.5-2 में हो जाए, तो मैं उसके बाद जाहिर है इलेक्शन करा के जिम्मेदारी से फारग हो जाऊंगा। तो ठीक। मेरा ख्याल है कि वो जो एक घटा छाई हुई थी ना पाकिस्तानी चार्ट के आसमान पर, वो वैसी नहीं रहनी थी। ये हम आपस में भी डिस्कस करते रहे हैं, एग्जैक्टली, आपने कई तो प्रोग्राम्स मेरा में कहा ख्याल है है। कि बादल छट रहे हैं पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम जो है उसके लिए भी। खान वजीर आजम ने कहा कि मैं कोशिश कर रहा हूँ ठीक। कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आए, क्योंकि सियासी इस्तेहकाम के बगैर फाशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। सही। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान हेल पेल होगी सर कि अब तो उसमें ये अंसार अब्बासी साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं, उसमें जो कैदी नंबर 804 है वो खा जाएगा भी इन सबको। सही। ये सब छुपते फिर रहे हैं और मुझे ये आजम चौधरी साहब बताएंगे कि वो राजा रियाज का कैसा इस्तकबाल हुआ, मुझे तो पता नहीं। वो उसके तरले मिनटों की वीडियो मैंने